सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज के इस वीडियो में रिव्यू करने वाला हूँ ये आर्कटेक फॉक्स का गेमिंग माउस। और ये एक बजट सेगमेंट का गेमिंग माउस है। इस माउस का प्राइस है ओनली 300 रुपीज, और ये प्राइस इसकी ऑफिशियल वेबसाइट का है। और बाकी अगर आप अमेजोन या फ्लिपकार्ट से इस माउस को बाय करोगे तो वहां पर ये माउस आपको 350 रुपीज का मिल जाएगा। तो ये एक बिल्कुल एंट्री लेवल बजट सेगमेंट का गेमिंग माउस है। और अगर आप एक बजट सेगमेंट का गेमिंग माउस ढूंढ रहे थे और आपका बजट अंडर 500 रुपीज है ना, तो इस वीडियो को बिल्कुल आखिर तक देखना। मतलब आप भी इस माउस को देखकर बिल्कुल चौंक जाओगे जैसे कि मैं चौंक गया हूं। काफी टाइम से इस माउस को मैं यूज कर रहा हूं, मुझे तो भाई ये माउस मतलब बहुत पसंद आया। आप पूरा रिव्यू देखना, आपको समझ में आएगा ये बजट सेगमेंट माउस कितना अच्छा है। तो चलो फिर अभी बढ़ते हैं इसके रिव्यू की तरफ। तो सबसे पहले यहां पर बॉक्स एंड बॉक्स कंटेंट से स्टार्ट करते हैं। तो वैसे इसका ये बॉक्स जो है ना माउस का, वो काफी छोटा सा है, क्यूट सा, बहुत ही कूल लुकिंग बॉक्स है। इवन मेरा ये जो एंटी स्पोर्ट्स वाले माउस का बॉक्स है ना, इसको देखो, ये उतना कूल लुकिंग नहीं है। ये भाई साहब बहुत कूल लुकिंग है यार, मतलब कमाल का बॉक्स बनाया है इस बजट माउस के लिए। खैर, यहाँ पर आर्कटेक फॉक्स की ब्रांडिंग है और पीछे आपको कुछ स्पेसिफिकेशन मिल जाते हैं माउस की, जिसमें कि यहाँ पर MRP है 599, पर ये माउस आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर 300 का मिल जाएगा और अमेजोन फ्लिपकार्ट पर 350 का मिल जाएगा। बाकी जो माउस है ये मैन्युफैक्चर भी बेंगलुरु में किया जाता है, तो ये एक इंडियन ब्रांड है। और डेफिनेटली इंडियन ब्रांड की तरफ से जब इतना अच्छा प्रोडक्ट आता है तो बहुत अच्छा लगता है। और बाकी नीचे और कुछ फीचर्स हैं, यहाँ पर आपको 3600 तक की DPI मिल जाती है इस माउस पर, और लाइट्स वगैरह भी है। और ये माउस आपके मैक, विंडोज और एंड्रॉयड तीनों के साथ कंपेटेबल है, और ये मेड इन इंडिया है। और 1 ईयर की आपको इस माउस में रिप्लेसमेंट वारंटी मिलती है, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है कि मतलब आपके माउस में कभी भी कुछ भी खराब होता तो आपका माउस रिपेयर नहीं होगा, सीधे आपको रिप्लेस होकर नया माउस मिल जाएगा। ये बहुत अच्छी चीज है। बाकी बॉक्स कंटेंट्स की बात करें तो बॉक्स में आपको ज्यादा कुछ नहीं, बस ये एक माउस मिलता है और एक आपको इस माउस की यूजर गाइड मिलती है। और यूजर गाइड जो है वो बॉक्स के अंदर नहीं है। आप देख सकते हो मुझसे यूजर गाइड कहीं गुम गई है, पता नहीं कहां गुम गई। मेरा पहला प्रोडक्ट है जिसकी मैंने यूजर गाइड गुमा दिया। तो खैर, बस यही दोनों चीज आपको इस माउस के बॉक्स में मिलती है और इससे ज्यादा और कुछ नहीं मिलता है। अब फिजिकल ओवरव्यू दे दूं मैं आपको इस माउस का, तो यहां पर आपको एक ये लेफ्ट क्लिक है, एक राइट क्लिक मिलता है, साथ में आपको ये अपनी स्क्रोल बॉल मिलती है, और एक बटन आपको यहां पर मिलता है, इससे आप जो है DPI एडजस्ट कर सकते हो। इस माउस में आप 3600 तक की DPI मिलती है। बाकी DPI के बारे में और डिटेल में मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा। साथ में यहाँ पर नीचे की तरफ आपको अपना आर्किटेक्ट फॉक्स का लोगो मिलता है, काफी क्यूट सी फॉक्स है ये, और ये जो लोगो है ये ग्लो करता है। साथ में आपको यहाँ पर थोड़ी सी RGB मिलती है और यहाँ पर थोड़ी सी RGB मिलती है। तो RGB के मामले में बस इतनी ही चीज आपको इस माउस में मिलती है। साथ में नीचे की तरफ देखें तो यहाँ पर आपको ये आपका सेंसर मिलता है, और सेंसर कौन सा है वो अभी आपको स्क्रीन पर दिख ही रहा होगा। साथ में आपको माउस को अच्छे से ग्लाइड करने के लिए एक ग्रिप आपको यहाँ मिलती है, एक ग्रिप यहाँ पर और एक ग्रिप यहाँ पर। बस आपको बाकी और कोई बटन इस माउस में नहीं मिलता, बस इतने ही बटन आपको इस माउस में मिलते हैं। वहीं लुक्स की बात करें तो यार लुक्स तो आप देख ही रहे होंगे, काफी गुड लुकिंग माउस है ये। यहाँ पर सामने की तरफ आपको ये पूरी सॉफ्ट रबर ग्रिप मिलती है, साथ में आपको यहाँ पर इस साइड पे और इस साइड पे ये ब्लू ब्लू से कलर का कुछ प्लास्टिक मिलता है, और डेफिनेटली ये काफी अच्छा लुक देता है इस माउस को। आप देख सकते हो यहाँ पर कुछ डिजाइन भी है, तो ओवरऑल बहुत ही गुड लुकिंग माउस है। और साथ में इसकी RGB की बात करो तो इसकी RGB जो है वो अपना कलर अपने आप बदलते रहती है, इसमें कोई इफेक्ट वगैरह नहीं है। तो आप इसके RGB को अपने हिसाब से एडजस्ट भी नहीं कर सकते हो, बस ये अपने हिसाब से इसकी RGB कलर चेंज करते रहती है कुछ इस तरह से। तो बस थोड़ी सी RGB आपको इस माउस में मिलती है, तो ठीक है, काफी अच्छा लुक आता है इस माउस का इस RGB की वजह से भी। और इवन इसकी LEDs काफी ब्राइट है, आप देख सकते हो यहाँ पर मैं आपको करके दिखाता हूँ, ये देखो काफी ब्राइट LEDs है। और केवल रात के टाइम ही नहीं बल्कि आप डे लाइट में भी ये देखो तो डे लाइट में भी इसकी LEDs काफी ब्राइट दिखती है। अब बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो इस माउस में आपको प्लास्टिक प्लस सॉफ्ट रबर ग्रिप मिलती है, यानी कि आपके माउस का ये जो ऊपर वाला पार्ट है ना, यहाँ पर आपको सॉफ्ट रबर ग्रिप मिलती है, और जो आपके माउस का जो साइड वाला पार्ट है और नीचे वाला पार्ट है उसमें आपको प्लास्टिक की बिल्ड मिलती है। और यहाँ पर जो प्लास्टिक और यहाँ पर जो इस माउस में प्लास्टिक प्रोवाइड किया गया है ना, वो अबव एवरेज क्वालिटी का प्लास्टिक है। और यहाँ पर जो इस माउस में प्लास्टिक प्रोवाइड किया गया है ना, वो गुड क्वालिटी का प्लास्टिक है। और गुड क्वालिटी से मेरा मतलब है कि इस प्लास्टिक की क्वालिटी अबव एवरेज है, यानी कि एवरेज से बस थोड़ी सी अच्छी क्वालिटी का प्लास्टिक आपको यहाँ पर मिलता है, जो कि डेफिनेटली बहुत अच्छी बात है। मतलब मैंने इस प्राइस में इस तरह की बिल्ड क्वालिटी एक्सपेक्ट नहीं किया था, क्योंकि मैंने अंडर 500 और भी 2-3 माउस चला रखे और उन सब में तो बहुत ही चीप क्वालिटी का प्लास्टिक आता है। और वहीं मैंने इस माउस को देखा भाई, तो इस माउस में बहुत ही अच्छी क्वालिटी का प्लास्टिक आ रहा था एज कम्पेयर टू द प्राइस। मतलब इस प्राइस में इतनी अच्छी क्वालिटी का प्लास्टिक कहीं दिखता नहीं है। तो प्राइस के हिसाब से तो डेफिनेटली बहुत ही अच्छी बिल्ड क्वालिटी आपको इस माउस में मिलती है, और मैं फुली सेटिस्फाइड हूँ इस माउस की बिल्ड क्वालिटी के साथ। अब इस माउस की केबल क्वालिटी की बात करें तो इस माउस में आपको नाइलन ब्रेडेड केबल नहीं मिलती है, लेकिन आपको यहाँ पर नॉर्मल केबल भी नहीं मिलती, ये कुछ अलग तरह की केबल मिलती है जो कि नाइलॉन ब्रेडेड केबल और नॉर्मल केबल के बीच की कुछ है। और डेफिनेटली जो केबल की क्वालिटी है ना, वो भी बहुत अच्छी है, और इसकी केबल की लेंथ है 135 सेंटीमीटर। तो ओवरऑल माउस और केबल दोनों की क्वालिटी आपको बहुत अच्छी मिलती है।
प्राइस के हिसाब से। अब इसके बटन की क्लिक्स की बात करें तो इसके बटन की जो क्लिक्स है ना वो थोड़े से सॉफ्ट है, मतलब आप नॉर्मल किसी भी और माउस से कंपेयर करो तो उन माउसेस के मुकाबले इसमें थोड़े सॉफ्ट क्लिक्स आपको मिलते हैं। और जो क्लिक्स का फीडबैक है वो भी बहुत अच्छा है, स्क्रॉल व्हील का फीडबैक बहुत अच्छा है, सेम चीज यहाँ पर स्क्रॉल व्हील के साथ भी आती है। और बस एक चीज मैंने नोटिस किया कि जो इसका राइट क्लिक है ना वो हल्का सा टाइट है, मतलब इतू सा टाइट है लेफ्ट क्लिक के मुकाबले। अब पता नहीं वो चीज बस मेरे यूनिट में है कि बाय डिफॉल्ट इस माउस में ऐसे ही होता है, बाकी आप बहुत ध्यान दोगे तब आपको वो डिफरेंस पता चलेगा। और गेमिंग के टाइम पर तो ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं होती उस राइट क्लिक के थोड़े हार्ड होने से, तो ठीक है नॉर्मल चलता है। काफी सॉफ्ट क्लिक्स और अच्छा फीडबैक आपको इस माउस के बटन के क्लिक्स में मिलता है। और वहीं इसके क्लिक्स की साउंड की बात करें तो इसके क्लिक्स का साउंड भी काफी सॉफ्ट सा आता है, मतलब नॉर्मल माउस में वो जो क्लिक क्लिक करके एक साउंड आता है ना वो इसमें नहीं आता है, इसमें एक काफी हल्का सा और काफी पतला सा साउंड आता है। अभी आप साउंड सुनो आपको समझ में आएगा। और जब आप इस माउस में बहुत ज्यादा रैपिड क्लिक्स करते हो ना तो इस माउस में कुछ अजीब सी आवाज आती है, मैं एक बार आपको सुनाता हूँ। तो शायद वो आपको आवाज सुनाई दे रही होगी, तो ये अनयूजुअल सी आवाज बस इसलिए आ रही है क्योंकि एक बजट सेगमेंट का माउस में थोड़ी सी इसमें क्वालिटी आपको हल्की सी मिलती है, तो बस उस कारण वो आवाज आ रही है, बाकी उस आवाज से कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं उस आवाज। अब डीपीआई की बात करें तो इस माउस में आपको अप टू 3600 तक डीपीआई मिलती है, और ये जो डीपीआई है ना आप इसको एडजस्ट भी कर सकते हो, और आप इस डीपीआई को 4 लेवल्स में एडजस्ट कर सकते हो जो कि है 900, 1800, 2700 और 3600। तो इन चार लेवल्स पे आप इसकी डीपीआई को एडजस्ट कर सकते हो इस माउस में जो डीपीआई का बटन दिया है उसको यूज करके। कोई सॉफ्टवेयर वगैरह का सपोर्ट नहीं मिलता आपको डीपीआई चेंज करने के लिए, तो जो आपके माउस में बटन मिलता है आपको डीपीआई वाला आपको उसी को करना पड़ेगा डीपीआई चेंज करने के लिए। और जब आप इस माउस की डीपीआई चेंज करते हो ना तो आपको कोई भी इंडिकेशन नहीं मिलता है डीपीआई चेंज करने का, वो आप जब एरो हिलाओगे ना आपको तभी पता चलता है कि डीपीआई चेंज हो गई है। तो इससे बस एक ही नुकसान है कि अगर आप इस माउस की डीपीआई चेंज करते हो ना तो आप बिना एरो हिलाए ये पता नहीं लगा सकते हो कि आपका माउस करेंटली कौन सी डीपीआई पे सेट है। और बाकी ये जो चार डीपीआई लेवल्स भी मैंने आपको बताया ना ये भी कहीं पर मेंशन नहीं है, वो तो मैं आपको अपने हिसाब से बता रहा हूँ कि मुझे पता है यही चार लेवल्स इसके डीपीआई के होंगे क्योंकि 3600 की डीपीआई है और 4 लेवल्स है, बाकी जो इसकी बाय डिफॉल्ट डीपीआई रहती है ना वो 1800 की रहती है। और जब भी ये माउस स्टार्ट होता है ना तो ये 1800 की डीपीआई में ही स्टार्ट होता है। फॉर एग्जांपल आपने अपनी डीपीआई को 2700 या फिर 3600 पे सेट किया और उसके बाद आपने अपने पीसी को शट डाउन कर दिया और जैसे ही आप अपने पीसी को वापस से ऑन करोगे ना तो ये माउस आपको वापस 1800 की डीपीआई में मिलेगा जो कि इसकी डिफॉल्ट डीपीआई है। तो ये माउस अपनी डीपीआई को सेव करके नहीं रखता है। बाकी गेमिंग की बात करें तो 3600 डीपीआई गेमिंग के लिए काफी है, क्योंकि मैं भी जब भी इस माउस में गेमिंग करता हूं ना तो मैं या तो 2700 डीपीआई पे करता हूं या 3600 डीपीआई पे करता हूं, और इतनी काफी होती है गेमिंग के लिए। अब CPS यानी कि क्लिक्स पर सेकंड की बात करें तो अभी आप स्क्रीन पर रिजल्ट देख ही सकते हो, ये माउस आपको 7.0 का CPS देता है। अब इस माउस के कंफर्ट की बात करें तो ये माउस ना बहुत ही कंफर्टेबल है क्योंकि इस माउस का जो डिजाइन है ना वो बहुत ही एर्गोनॉमिक है, और साथ में आप यहाँ पर इस माउस का शेप देखो तो इस माउस में आपको सिमेट्रिकल शेप मिलता है, और इसका मतलब ये है कि जो इस माउस का लेफ्ट वाला साइड है और जो राइट वाला साइड है ना वो बिल्कुल सेम डिजाइन का मिलता है। तो इससे एक ये फायदा हो जाता है कि अगर आप एक लेफ्ट हैंडेड पर्सन हो तो आप इस माउस को लेफ्ट हैंड से भी आराम से यूज कर सकते हो, और अगर आप एक राइट हैंडेड पर्सन हो तो आप इस माउस को राइट हैंड से भी आराम से यूज कर सकते हो। और इसका जो साइज है ना वो साइज भी बिल्कुल परफेक्ट साइज है, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है कि जो गेमिंग माउसेस होते हैं ना वो थोड़े से ज्यादा बड़े होते हैं साइज में, जिसकी वजह से काफी सारे लोगों को गेमिंग माउस यूज करने में दिक्कत होती है, और खासकर कि उन्हें जिनका कि हाथ थोड़ा सा छोटा होता है। मेरा हाथ बड़ा है तो मुझे वैसे भी कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन छोटे हाथ वालों को दिक्कत होती है। लेकिन इस माउस का शेप बिल्कुल परफेक्ट होने का कारण क्या है कि अगर आपके हाथ छोटे हैं तो भी आप इस माउस को आराम से यूज कर सकते हो कंफर्टेबल होकर, और अगर आपके हाथ बड़े हैं मेरी तरह तब भी आप इस माउस को आराम से कंफर्टेबल होकर यूज कर सकते हो। तो ये इस माउस की एक बहुत ही सही चीज है। वैसे इस माउस को मैं डेली यूज करता हूँ वेलोरेंट खेलने के लिए, और मैं कंटिन्यूअसली 2 आवर्स तक वेलोरेंट खेलता हूँ, और उस बीच कभी भी मेरे हाथ में पेन नहीं होता है, इतना कंफर्टेबल ये माउस है, और पूरे 2 घंटे तक कंटिन्यूअसली मैं कंफर्टेबल होकर गेमिंग कर पाता हूँ इस माउस पे। तो आप अगर लॉन्ग गेमिंग सेशंस के लिए इस माउस को यूज करना चाहते हो तो आराम से आप लॉन्ग गेमिंग सेशंस इस माउस पे कर सकते हो। और इसके कंफर्टेबल होने की वजह एक ये भी है कि इस माउस का वेट ओनली 110 ग्राम्स का है, तो बहुत ही हल्का माउस है ये, मतलब आप इसको पकड़ के गेमिंग करोगे ना तो आपको लगेगा ही नहीं कि आपके हाथ में कुछ है भी, इतना हल्का ये माउस है। तो इस वजह से ये माउस बहुत ही कंफर्टेबल हो जाता है।
और ये माउस आपके हाथ से फिसले ना, इसलिए आपको जो ऊपर की तरफ है वो सॉफ्ट रबर ग्रिप मिलती है, तो उससे ये माउस आपके हाथ से फिसलते भी नहीं है। मतलब ओवरऑल कंफर्ट के मामले में तो मैं इस माउस से बहुत ही खुश हुआ हूँ, एकदम सेटिस्फाइड हुआ हूँ। और इवन मेरे पास यहाँ पर ये एंटी स्पोर्ट्स का GM320 गेमिंग माउस भी है, और ये माउस अराउंड 700 रुपीज़ का आता है। और ये वाला जो माउस है ना, ये मेरे इस एंटी स्पोर्ट्स वाले माउस से भी ज़्यादा कंफर्टेबल है। मतलब आप समझ ही सकते हो कि ये माउस कितना कंफर्टेबल है। अब इस माउस की परफॉर्मेंस की बात करें तो इस माउस से मैंने काफ़ी सारे डिफरेंट डिफरेंट गेम्स ट्राई करे, ऑफलाइन गेम्स, और इवन मैंने ई स्पोर्ट्स टाइटल में वैलोरेंट भी ट्राई करा, और वैलोरेंट तो मैं रोज इस माउस से खेलता भी था। और इस माउस की जो मुझे परफॉर्मेंस मिली है ना, वो बहुत ही औसम मिली है। मतलब ये माउस काफ़ी रिस्पॉन्सिव है, मैं तुरंत जैसे इनपुट दे रहा था तो तुरंत मुझे रिएक्शन मिल रहा था, और लेटेंसी की कोई दिक्कत नहीं है इस माउस में। और साथ में जो सॉफ्ट क्लिक्स हैं इस माउस के, उससे भी गेमिंग करने में काफ़ी मज़ा आता है। और इवन जब मैं वैलोरेंट खेलते टाइम काफ़ी तेज़ फ्लिक्स भी कर रहा था ना, तो मेरे फ्लिक्स भी ये माउस तुरंत डिटेक्ट कर रहा था, और एक भी बार ऐसा नहीं हुआ कि मेरे फ्लिक्स थोड़ा बहुत इस माउस ने डिटेक्ट ना किया हो। बिल्कुल बराबर से ये माउस मेरे फ्लिक्स डिटेक्ट कर रहा था, और साथ में काफ़ी अच्छा फीडबैक मिल रहा था मुझे इस माउस से गेमिंग करते टाइम। और एक तो ये माउस बहुत हल्का भी है, और मेरे माउस पैड में ये माउस बड़े अच्छे से ग्लाइड कर रहा था, तो उस कारण से मैं प्रॉपरली एम भी कर पा रहा था अपने गेम में। तो ओवरऑल इसके परफॉर्मेंस की बात करूँ तो भाई बहुत ही औसम परफॉर्मेंस ये माउस आपको देता है, और मैंने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इस प्राइस में आपको ये औसम परफॉर्मेंस इस माउस से मिल पाएगी। अब डिसएडवांटेजेस की बात करें तो इस माउस में मुझे बस एक ही डिसएडवांटेज नज़र आया है, और वो ये है कि इस माउस में आपको कोई भी एक्स्ट्रा बटन्स नहीं मिलते हैं। अब एक्स्ट्रा बटन्स ये होते हैं, ये जो आपको इस माउस में दिख रहे हैं, ये एक बटन ये और एक बटन ये, तो ये एक्स्ट्रा बटन्स होते हैं। तो इन बटन्स पे आप गेमिंग के टाइम पर काफ़ी सारे डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस असाइन कर सकते हो अपने हिसाब से। तो मैं जानता हूँ कि काफ़ी सारे लोगों के लिए ये बटन्स ऐसा कुछ खास मायने नहीं रखते, पर ये बटन्स होना बस एक आइसिंग ऑन द केक की तरह होते हैं, क्योंकि गेम्स खेलते टाइम आप डिफरेंट फंक्शन इनमें असाइन करके अपनी गेमिंग एक्सपीरियंस को और अच्छा बना सकते हो। और साथ ही में जब आप नॉर्मल पीसी यूज़ करते हो तो उनमें आप फाइल मैनेजर और गूगल क्रोम में फॉरवर्ड और बैकवर्ड नेविगेशन के लिए इन बटन्स को यूज़ कर सकते हो। तो डेफिनेटली ये बटन्स होना माउस में थोड़ा हैंडी होता है, और ये बटन्स आपको इस माउस में नहीं मिलते, तो ये बस एक छोटा सा डिसएडवांटेज मुझे लगा है, बाकी ये एक डील ब्रेकिंग चीज़ नहीं है। अब एट लास्ट वर्डिक्ट पर आए तो ये जो गेमिंग माउस है, ये एक बहुत ही अंडररेटेड गेमिंग माउस है। और ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मैंने इसकी वेबसाइट पर देखा तो कुछ नाम भर के 3-4 ही रिव्यूज़ है, अमेजोन पर बिल्कुल एक भी रिव्यूज़ नहीं है इस माउस के, और फ्लिपकार्ट पे भी कुछ बस 1-2 रिव्यूज़ है। तो बहुत सारे लोगों ने इस माउस को खरीदा ही नहीं है। अब पता नहीं क्यों नहीं खरीदा यार, ये इतना सही माउस है, मतलब 300 रुपये की प्राइस रेंज में एकदम वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है, ये एकदम पैसा वसूल चीज़ है, क्योंकि केवल 300 रुपीज़ के प्राइस में ये माउस आपको काफ़ी अच्छी बिल्ड क्वालिटी दे रहा है प्राइस के हिसाब से, जो कि नॉर्मली आपको इस प्राइस सेगमेंट में नहीं मिलती है। साथ में थोड़े बहुत अच्छे लुक्स भी दे रहा है, और एक गेमिंग माउस की सबसे जरूरी चीज़ कि ये माउस बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है, आपको बहुत ज़्यादा कंफर्ट देगा, तो इससे आप लॉन्ग गेमिंग सेशंस भी कर सकते हो, और साथ में आपको काफ़ी अच्छी गेमिंग परफॉर्मेंस भी ये माउस देता है। तो मतलब कोई रीज़न ही नहीं बचता कि आप इस माउस को छोड़ दो, बस एक वो एक्स्ट्रा माउस बटन्स को छोड़कर। तो अगर आप अंडर 500 रुपीज़ एक बजट सेगमेंट का गेमिंग माउस ढूंढ रहे हो ना, तो बस ये एक बहुत परफेक्ट चीज़ है, मतलब इससे आपको कुछ सोचना ही नहीं है, ये एकदम परफेक्ट माउस है जो कि अपने प्राइस को बिल्कुल जस्टिफाई करता है, और कभी भी आप इस माउस से डिसअपॉइंट नहीं होगे। तो बस अभी तक आप रिव्यू देख रहे हो तो अब आपको समझ में आ ही गया होगा कि आपको इस माउस को लेना चाहिए या नहीं। तो चलो फिर मैं आज के वीडियो में बस इतना ही रखते हैं, और मैं फिर मिलूंगा आपसे ऐसी किसी वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए बाय।